नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com। ओडिशा सुंदरगढ़। नामांकन के आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी के विशेष नेता श्रीमान जोएल ओराम ने नामांकन पत्र दाखिल किया। सुंदरगढ़ लोकसभा सीट के लिए बीजू जनता दल के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमान जोएल ओराम ने अपने तमाम समर्थकों के साथ सुंदरगढ़ जिलापाल के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं दूसरी तरफ राजगांवपुर विधानसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी के नए उम्मीदवार श्रीमान नरसिंह मींज ने भी अपने तमाम समर्थकों के साथ अतिरिक्त जिलापाल के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान सबने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कुलदीप सिंह, श्रीमान महेंद्र मांझी, श्रीमान अशोक मेहता सहित अन्य सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजगांवपुर विधानसभा सीट के लिए सोमवार को बीजू जनता दल के दिग्गज नेता श्री मंगला किसान तथा कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर राजन इक्का ने सुंदरगढ़ के अतिरिक्त जिलापाल के समक्ष उपस्थित होकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान हेमानंद बिस्वाल की छोटी पुत्री अमिता बिस्वाल ने भी कांग्रेस की ओर से सुंदरगढ़ विधानसभा सीट के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बीजू जनता दल के दिग्गज एवं अनुभवी नेता श्रीमान मंगला किसान ने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। तत्पश्चात अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सुंदरगढ़ के अतिरिक्त जिलापाल श्रीमान भास्कर चंद्र तुरुक को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के राज्य सचिव सोएब आलम, जिला अल्पसंख्यक समुदाय के अध्यक्ष मोहम्मद साबुद्दीन उर्फ नन्हे भाई, बीजू जनता दल के दिग्गज नेता जीतू दास, मोहम्मद इरफान, सजाद भाई, अमरीश पंडा, सुश्रीता पाइकराय, अशोक दास सहित अन्य सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस कड़ी में सभी ने बीजू जनता दल जिंदाबाद, मंगला किसान जिंदाबाद एवं नवीन पटनायक जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए। अगर हम बात करें तो राजगांवपुर विधानसभा सीट की, तो उसके लिए कांग्रेस के उम्मीदवार एवं पूर्व मंत्री केस्टोपर एक्का के पुत्र डॉक्टर राजन एक्का ने पहली बार चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं सुंदरगढ़ विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार अमिता बिस्वाल ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर राजगांवपुर कांग्रेस टाउन अध्यक्ष इफ्तकार अहमद उर्फ पका बाबू, खालिद भाई, मिनाज अहमद, रतन साहू सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार सुशील कुमार लकड़ा एवं स्वाधीन प्रार्थी पातारस टिप्पो ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। सुंदरगढ़ से राजेश दाहिमा की रिपोर्ट। ठीक है।